गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 14 यानी कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग ये डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि अपन ने जब एमबीए फर्स्ट में बिजनेस एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ा था 105, तो उसके अंदर भी अपन ने टॉपिक पढ़ा था एनवायरनमेंट स्कैनिंग, और वहाँ भी अपन ने देखा था ये कितना ज़रूरी टॉपिक है फॉर स्टडी इन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या है, एक असेंशियल कंपोनेंट माना गया है, क्योंकि जब भी हम किसी एनवायरनमेंट को एनालाइज़ कर रहे हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट को एनालाइज़ कर रहे हैं या ग्लोबल पर्पस से सोच रहे हैं, तो हमें आसपास के उस एनवायरनमेंट को भी स्टडी करना पड़ेगा जो कि उस ग्लोबल एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना, उसकी फोरकास्ट करना, उसके बारे में असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। ग्लोबल एनवायरनमेंट का मतलब है मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज़, मार्केट, कंपनीज़, क्लाइंट, कॉम्पिटिटर्स, और उनके साथ साथ क्या है कि हम यहाँ पे माइक्रो लेवल को बाहर नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैक्रो के साथ माइक्रो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे हमारे सप्लायर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटर्स इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें क्या है एनालाइज़ करना पड़ता है जब हम एक इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो यदि हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग को बोलें तो एक स्टडी है, एक इंटरप्रिटेशन है कि पॉलिटिकल क्या होगा, इकोनॉमिकल क्या होने वाला है, सोशल में क्या है, टेक्नोलॉजिकल में क्या है, कैसे इवेंट चल रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या अभी ट्रेंड्स मार्केट में चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हमें इस सब चीज़ों को क्या करना है, स्टडी करना पड़ता है। इसमें क्या है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं जब हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग की बात कर रहे हैं, जैसे करंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, इश्यूज़ क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इश्यूज़ का मतलब क्या है कि वो जो चीज़ें हमारे करंट के सिचुएशन को बार बार इफेक्ट कर रही हैं, चेंज करने के लिए एक तरीके से इन्फ्लुएंस डाले जा रही हैं, और यदि कहीं भी कोई ट्रेंड करंट ट्रेंड चेंज होता है, ब्रेक होता है, तो वहाँ पे सोसाइटी भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है तो वो परमानेंट नहीं रह पाती, वो बार बार क्या है चेंज रहनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो सोसाइटी के अंदर उसका कंजम्पशन चेंज हो रहा है, उसकी डिपेंडेंसी चेंज हो रही है। ऐसे ही यदि हम देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट लिविंग पे है और उसका हमारे सोसाइटी पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्पैक्ट पड़ता है, तो एनवायरमेंटल फिनोमिना क्या है कि एक स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमें स्टडी करनी है। तो यदि हम मार्केट एनवायरमेंट की बात करें या मार्केटिंग टर्म में बात करें, तो वो सभी फोर्सेज जो हमारी फर्म की एबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रही है, या फिर वो सभी फोर्सेज जिसकी वजह से हम अपने कस्टमर्स के साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हैं, वो हमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग में पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आता है हमारा, इसके अंदर हम देखते हैं कि दो लेवल्स हैं, जैसा माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो लेवल कौन सा होता है, माइक्रो लेवल वो है जो स्मॉल फोर्सेज हैं और ये हमारी कस्टमर्स को सर्व करने की फैसिलिटी को थोड़ा सा इम्पैक्ट डालते हैं, स्मॉल फैक्टर्स फोर्सेज। मैक्रो जो है वो नेशनल लेवल पर है यानी कि लार्ज फोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो की। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, रेफर्स टू द बिजनेस, वो बिजनेस के लिए फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। कहाँ पर, हमारी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ बिजनेस जो है वो पहले से कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहा है, कुछ चीज़ों को देख रहा है, कुछ चीज़ों का इन्फ्लुएंस बर्दाश्त कर रहा है एनवायरनमेंट में। तो कई बार क्या होता है कि जो हम माइक्रो एनवायरनमेंटल है इसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो जैसे हमने कहा ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, तो ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं ये हमारी बिजनेस में, हमारी कंपनी पर बहुत फास्ट से असर डालते हैं, जैसे हमारे सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, मार्केट, पब्लिक। तो कंपनी क्या है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इन माइक्रो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करती हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो इसके अंदर हम कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, मैनेजमेंट है, फिनेंस है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, परचेजिंग है, ऑपरेशंस है, अकाउंटिंग है, ये सभी डिपार्टमेंट्स क्या हैं जो हमारी डिसीजंस को इफेक्ट डालते हैं, मार्केटिंग डिसीजंस को इफेक्ट डालते हैं। जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट पर यदि हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट पर रिसर्च करना चाहते हैं, फीचर्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से बजट चाहिए, अप्रूवल चाहिए फाइनेंस का। तो कहीं ना कहीं हमें उसको बढ़ाने के लिए वो कहीं और ना कहीं कुछ चीज़ें रिड्यूस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ अगर बजट नहीं है तो हमें हमारे मार्केटिंग प्लान्स, हमारे प्रोग्राम्स, इनमें कहीं ना कहीं कोई और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनको ये देखना पड़ता है कि हमारे पास किस चीज़ की सप्लाई है और किस चीज़ की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए हम सप्लायर की बात कर रहे हैं, तो सप्लायर कौन है जो हमारी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है,
और एक इस तरीके से आप देखिए कि यदि वो हमें टाइमली रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराएगा तो हम लोग कस्टमर्स को फिनिश गुड टाइम में नहीं दे पाएंगे, और वो अगर नहीं दे पाएंगे तो रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमें स्टडी करना पड़ता है एक मैनेजर को कि बिज़नेस माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कौन कौन से हम माइक्रो के अंदर हम अपने ब्लॉक्स तैयार कर सकते हैं ताकि जिनके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटजी मीटिंग कर सकते हैं, कस्टमर्स के हिसाब से हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, हमारे स्टेक होल्डर्स के हिसाब से हमें कौन सी स्टडी करनी चाहिए, सप्लायर्स के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से। तो हाँ, हम एनालाइज करते हैं कॉस्मिक एनालिसिस का। कॉस्मिक में सबसे पहला आता है कस्टमर। कस्टमर कौन सा है? कस्टमर हमारे लिए वाइटल है, क्योंकि हर बिज़नेस का फोकल पॉइंट कस्टमर होता है और कस्टमर पर ही फोकस करके बिज़नेस किया जा रहा है। तो यहाँ हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कस्टमर की नीड क्या है, कैसे उसके नीड को हमें आइडेंटिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है। तो आजकल के हिसाब से यदि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कम और कस्टमर को ज़्यादा फोकस करने लग गए, यदि हम PLC की बात करें, आज हम PLC की बात सोचते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो आज हमें कस्टमर के बारे में भी सोचना पड़ता है, ये कस्टमर की लाइफ साइकिल क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें कि हम मतलब कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो वो उतना ही हमारा PLC का ग्राफ भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा यदि कस्टमर हमारे पास रिटेन है। देन आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? ऑर्गेनाइजेशन रेफर करती है वो सभी लोग जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, कल्चर हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर सेल्फ एनालिसिस को बताया गया है, यानी कि एक कंपनी को अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। तो सेल्फ एनालिसिस का मतलब है स्वेट एनालिसिस, हमें हमारी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरा आता है हमारे इसके अंदर ऑनर्स। ऑनर्स देखिए जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, यानी कि जब हम स्वेट एनालिसिस करें तो हमें सबसे पहले अपने ऑनर्स को देखना चाहिए। ऑनर्स कौन से हो सकते हैं? कोई प्रोपराइटर फर्म है तो प्रोपराइटर होगा, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स मालिक होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे जो कि आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके डिसीजंस हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या है? शेयर होल्डर्स द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, तो इनके डिसीजंस भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालेंगे। फिर आते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कौन है? जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बैकबोन कहा जाता है इनको। तो ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यूज़ और उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ साथ अच्छी कंडीशंस भी प्रोवाइड करवानी पड़ेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उतना ही डिफरेंट कल्चर आपके यहाँ काम कर रहा है, उतने डिफरेंट बिलीव्स आपके यहाँ हैं, उतना डिफरेंट एटीट्यूड है। तो हर एक की चीज़ों को मेंटेन करना, हर एक के कल्चर को मेंटेन करना, एटीट्यूड को मेंटेन करना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही देखा जा रहा है। फिर हमारा तीसरा पार्ट आता है सप्लायर। सप्लायर कौन है? सप्लायर, जैसे मैंने पहले भी कहा, सप्लायर वो पर्सन है जो हमारे बिजनेस को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा। एक एडेड वैल्यू है हमारे कस्टमर्स के लिए। क्यों? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि वो सप्लायर हमें सप्लाई करता है रॉ मटेरियल की, कंपोनेंट्स की, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड में बनाते हैं। यदि हम एक रिटेल पर्सपेक्टिव की बात करें जो कि आपको डिलीवर कर रहा है गुड्स और बल्क में कर रहा है, और यदि वो बल्क में ना कर पाके रिटेल में छोटे छोटे पीसेस में या पार्ट में कर रहा है, तो आप देखिए फिर आपके बिज़नेस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। आजकल सप्लायर जो है आपकी सप्लाई चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, और ये आपके कस्टमर्स के लिए वैल्यू एडेड भी पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छी इक्विपमेंट और सर्विसेज दे रहा है। तो एक लार्ज कंपनी के अंदर देखा जाता है इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं? सप्लायर्स होते हैं, और वो उन सबके साथ मेंटेन रिलेशन करके प्रोडक्शन करते हैं। तो सप्लायर कौन है? सप्लायर समझ में आ गया, हमारा सप्लायर कौन है? अब देखिए, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर भी होती है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कॉम्पिटिटर एंड इंडस्ट्री एनालिसिस में। यदि आपके सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो आपके बिजनेस को वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए कंपनीज क्या है, अल्टरनेटिव और सप्लायर्स पर काम करती है। तो यहाँ हमें क्या स्टडी करना है? हमारा सप्लायर कौन है, हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस प्राइस पे बना रहे हैं, उसके साथ हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसे ही हम जो आउटसोर्स कर रहे हैं चीज़ें, यदि हम उसको इन हाउस पे डिपेंड कर सकते हैं तो, या आसपास के एरिया से मंगा सकते हैं तो, या हमारे पास और सप्लायर की रेंज हम बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी बातें हमें इसके अंदर स्टडी करनी पड़ती हैं। फिर आता है हमारा मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर, जहाँ पर ये लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो एक कंपनी को उस मार्केट की भी स्टडी करनी पड़ेगी कि उस मार्केट में करंट में चल क्या रहा है। जैसे मार्केट में उस करंट में अभी मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में क्या ग्रोथ रेट चल रही है,
क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है, प्राइस सेंसिटिविटी है या नहीं, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर स्टडी करनी पड़ती हैं। तो यही था बच्चों अपना अभी टॉपिक, इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।